हे गाइस, मेरा नाम है सूरज भान और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योर क्वेरीज में। दोस्तों, एक अच्छी कंपनी का शेयर शॉर्ट टर्म में भले ही थोड़ा नीचे गिर जाए, बट लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ऊपर ही जाता है। चाहे आप किसी भी कंपनी का स्टॉक चार्ट देख लीजिए, लॉन्ग टर्म में वो हमेशा ऊपर ही गया है। तो इसलिए अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया है तो आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि बैंक में पैसे रखने के लिए बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है, वैसे ही कंपनीज के शेयर्स को होल्ड करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है। मार्केट में काफी सारे स्टॉक ब्रोकर्स अवेलेबल हैं जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनमें से ही एक है एंजल वन। दोस्तों, एंजल वन लगभग 35 सालों से मार्केट में है और ये काफी ट्रस्टेड है। एंजल वन के साथ आप अपना फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी पर कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं और फर्स्ट ईयर AMC भी बिल्कुल फ्री होता है। सो आज के इस वीडियो में मैं एंजल वन के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। एंजल वन के साथ एक फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना सिटी चूज करना है, आपका सिटी कौन सा है। आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपको अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आपके सामने बैंक अकाउंट नंबर फिल करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। बैंक अकाउंट और IFSC कोड फिल करने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने बैंक का नाम फिल करना है, आपका कौन सा बैंक है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको अपना ब्रांच चूज करना है और सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो आपका जो अकाउंट है वो बिल्कुल फ्री में ओपन किया जाएगा, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये का डिपॉजिट आपके अकाउंट में किया जाएगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग विथ डिजी लॉकर, सेकेंड ऑप्शन मिलता है एंटर डिटेल्स मैनुअली। तो हम यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे और उसके बाद शेयर योर KYC डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके आधार पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एनुअल इनकम आपको चूज करना है, आपका जो भी एनुअल इनकम है वो आप चूज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आपको अपना प्रोफेशन चूज करना है, आप क्या काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अगर आप किसान हैं तो आपको एग्रीकल्चर वाला ऑप्शन चूज करना है, अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ पे आपके फादर का फर्स्ट नेम फिल करना है, यहाँ पे लास्ट नेम फिल करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड और आपका एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। बैंक स्टेटमेंट वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसे आप चाहे छोड़ भी सकते हैं, बट आपको पैन कार्ड और सिग्नेचर आपको अपना अपलोड करना है। तो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए आपको पैन कार्ड वाले पे क्लिक करना है। पैन कार्ड हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके अपना पैन कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आपको किसी भी व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर कर लेना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पैन कार्ड पे जो भी सिग्नेचर आपने किया है सेम वैसा ही सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है और उसका फोटो क्लिक करके इसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे NSDL का पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे कंसेंट देना है, यहाँ पे आपको वो टिक करना है और आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए आपको 10 सेकेंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करना है अपना। इसके लिए आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है और आपको केवल रिकॉर्ड कर लेना है, कुछ भी वहाँ पे बोलना नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंग्रेचुलेशंस सूरज भान यादव, योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन को 3 वर्किंग डेज में जो है वो प्रोसीड कर दिया जाएगा
और लॉगिन डिटेल्स आपका आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा जो कि आपने यहाँ पे फिल किया था। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप रेफरल प्रोग्राम में इसके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, उनका मोबाइल नंबर फिल करना है। आपका रेफरल लिंक जो है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, इसे आपको कॉपी कर लेना है और आप चाहे तो इस रेफरल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं। एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन करने का ये था कंप्लीट प्रोसेस। जैसे ही हमारा लॉगिन डिटेल्स हमारे ईमेल और मोबाइल पे सेंड हो जाता है, उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ।